राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? और हम लोग आज जाकर के आएंगे बीकानेर से जैसलमेर जिले की तरफ रामदेवरा। चप्पी ले चप्पी, सीन ऐसे बोलती है चप्पल को, चप्पी पप्पी 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 लड्डू आडू गागू। हाँ ठीक है मम्मी। हाँ रजी रो खुशी रो रजी रो खुशी रो। आज मैंने और कविता ने सेम साड़ी पहनी है और सी एस यूनिया ने भी सेम कपड़े पहने हैं। ये हम चेन्नई से लेके आए थे, चेन्नई से मतलब इनकी दीदी है, उन्होंने मुझे दी थी और ये चेन्नई गए थे तब इनको दी थी सेम सेम। देखो भाई भादवे के महीने के अंदर यात्री आने शुरू हो गए हैं और मैं भी काफी दिनों से इसीलिए इंतजार कर रहा था कि बारिश कब आए। भादवे का महीना भी लगे और बारिश भी शुरू हो गई। हमारे गांव से करीब 350 किलोमीटर है रामदेवरा और 8 बजे सुबह के बीकानेर कोलायत और उसके बाद में आगे फलोदी के पास में है रामदेवरा। इससे पहले 4-5 साल पहले बस मैं और भाई स्टार्टिंग के अंदर गए थे ना, तभी हम लोग गए हुए रामदेवरा। हम मैं ही गया हूँ, ये कोई नहीं गए हुए। इस यात्रा के बाद में हम लोग राजस्थान से बाहर भी जा रहे हैं, दूसरी यात्रा भी शुरू करेंगे। गाड़ी भी आज बीकानेर के अंदर में ही चला रही हूँ। पापा वीडियो एडिट कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे रामदेवरा जा रहे हैं तो रास्ते में हमें खूब सारे पैदल यात्री मिलेंगे तो उनके लिए थोड़ा फ्रूट लेके जाते हैं। ठीक है जय बाबेरी जय बाबेरी। तो कितनी जबरदस्त रेत के अंदर रामदेव जी की किसी ने मूर्ति बनाई और हर आने जाने वाले यहाँ से जो यात्री जाते हैं ना वो सारे के सारे यहाँ से दर्शन करके ही जाते हैं। इतना बड़ा रेत का पहले ऊंचा ये टीला बनाया और इसके ऊपर फिर ये कलाकारी की। देखो यहाँ से इस हाईवे के ऊपर से जितने भी श्रद्धालु यात्री आते जाते हैं ना वो सब यहाँ पर बाबा रामदेव के दर्शन करके जा रहे हैं। इस तरह से जगह जगह पर भंडारे भी चल रहे हैं यात्रियों के लिए। हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक देखते फिर हम लोग रुके। बीकानेर से निकल रहे थे तो नाश्ता ले लिया, नाश्ता कर रहे हैं कचौरी खासी की, मेरे खातिर स्पेशल स्पेशल चीजें जलेबी कचौरी कचौरी मुझे भी पसंद है पर खाऊंगा नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। आप अंडमान निकोबार जाके आए थे आप? हाँ। और कोलायत भी जाके आए थे? हाँ अभी गए थे। और विशाखापट्टनम उधर? हाँ हाँ। चलो धन्यवाद आपका भाभी जी को, सबको मैं रोजाना देखता हूँ, एक भी दिन छोटे में ये भी आपके सब्सक्राइबर है सुबह जगह से। अच्छा हाँ ले लो। यहाँ क्या है, लाइन लगी हुई है पूरे हाईवे के ऊपर। ये जैसलमेर जाता है आगे हाईवे, पूरे हाईवे के ऊपर लाइन लगी हुई है यात्री। जय बाबेरी। जय बाबेरी। इतने यात्री आ रहे हैं यहाँ पर तो जिस किसी को भी ऐसे केले बांटने हो, कुछ खाना खिलाना हो, कहीं पे भी पंडाल लगा करके इतने श्रद्धालु खाना खिला सकते हैं यार। तो भाई हम लोग जो केले लेके आए थे वो तो सारे वितरण कर दिए और यहाँ पर तो अगर 1 क्विंटल भी लेके आते ना तो अभी एक आधा घंटे के अंदर अंदर बांट सकते थे, इतने श्रद्धालु हैं, इतने श्रद्धालु। रामदेव जी के यहाँ पर श्रद्धालु जाते हुए बहुत बार देखे हैं लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर हम लोग रामदेवरा कभी नहीं आए, आज इस बार ही पहली बार जा रहे हैं। पर पूरे रास्ते में आपको दिखा दूं कैसे रोड के ऊपर स्थिति क्या है,
सब जगह ये देखो टेंट लगे हुए हैं, लोग जा रहे हैं पैदल यात्री आगे से आगे, यहाँ से करीब अभी भी 150 किलोमीटर और है रामदेवरा। देखो हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि बैठनो छया हो भलाई केरी, तो आज हम लोग केर की छाव में बैठ रहे हैं और रहनो भाया में हो भलाई बेरी, तो भाइयों में तो वैसे ही हम लोग बैठे ही है। हाँ हम माँ के हाथ का ही खाते है। केर दो ले बेटे केर तब आयो को नहीं नहीं यहाँ से हो तब ले आजकल एकदम ऊंचा ऊंचा करना है खाना सुबह सुबह साथ में बना के लेके आए हमारे लिए पराठे और इनके लिए बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी को चूर लिया और इसके अंदर अब डालेंगे हम लोग ले 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 ले, ले, ले। कितने भाई हुए बस है दो भाई है ये बता रहे थे यहाँ पे पड़ोसी जिले के अंदर बाबा रामदेव रोड पे इनका शनि महाराज का मंदिर है तो डोनेशन ले रहे थे मरांग अंदर करेगा कुछ भंडारे भंडारी के लिए। सर चश्मा लगाओ ना सर चश्मा लगाओ ना। कैर की छांव में बैठ के खाना खा लिया अभी वापिस यहाँ से रवाना होंगे। मैं आपका रोज जाना वीडियो हर वीडियो देखता हूँ। अच्छा क्या नाम है? मनोज नाम है मेरा। मनोज अच्छा चलो बहुत अच्छा। जय बाबा की जय बाबा की। मैं हर वीडियो आप कहीं पर जाते हो ना अभी गए थे ना हरिद्वार साइड। हाँ हरिद्वार मैं देख रहा था स्टैंड हुआ था गाड़ी का गाड़ी तैयार करा गया हर वीडियो और मैं सबको ये भी बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करा करो लाइक किया करो रोजाना। और अभी मैं 3-4 बंदों को लाइक कराया आपका वीडियो आपके साथ एक फोटो भी। हाँ फोटो ले लो मैं बाहर ही आ जाऊँ। ये जयपुर से आए हैं घोड़ा लेकर के और रामदेव जी के चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं तो ये लेके आने वाला। अच्छा वो हम तो साथ ही है हाथ बढ़ा के चलने वाले हैं। घोड़ा सिर्फ चढ़ाने के लिए लेके चढ़ाने के लिए ये लाने वाले सबको जी क्या करें। क्या नाम है आपका? महेंद्र। आपने खुद ने बनाया घोड़ा? नहीं बनवाया था बनवा के आपकी ऐसे थी कि मैं चढ़ा के आऊंगा तो कंधे पे चक्के लेके जा रहे हैं। थोड़ा चलाते भी अच्छा चलता भी घोड़ा भी है कंधे पे दोनों काम दोनों काम है दोनों करते हैं जाकर रोड आता है। हाँ हाँ फूटा फूटा रोड आता है तो कंधे चलता है। ये गजल है बाबा का साथ दिया था। जयपुर से 600-700 किलोमीटर है ना पूरा आगे यहाँ तक कितना रह गया भगवान भी। कब तक पहुँचोगे आप लगभग? बस हम लोग आज रात को लग जाएंगे 5 बजे। कल पहुँच जाओगे? कल पहुँच जाएंगे। दर्शाव दिया था बाबा जी? दर्शाव दिया था आपको? ये घोड़ा दिखा था तो बोले बाबा को सवारी मांगी तो अगले ने बाहर कितना है इसमें? बाबा ने कर दिया 12-13 किलो। नहीं 45 किलो वजन है। 42 किलो है ईमानदारी का। अच्छा नहीं है अखबार वाले में गए थे बोले पूछे थे 40-45 40 से ज्यादा ही 50 से 45 किलो वजन से ईमानदारी का बाकी हम तो फिर भी 3 कम करके बोलते हैं। जय बाबे की। लगा दो सर यही मैं कहाँ पे लगाना? रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी ध्वजा इस तरह के घोड़े बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग तरीके से लेके जा रहे हैं और ज्यादातर 500 किलोमीटर से दूर दूर से 400-500 किलोमीटर 600 किलोमीटर ऐसे आए। रामदेवरा रेलवे स्टेशन। तो भाई दोस्तों फाइनली हम लोग जो है वो रामदेवरा पहुंच गए हैं। शाम के करीब 4-4:30 बज रहे हैं और पूरा रामदेवरा क्रॉस करने के बाद में राम सरोवर है। यहाँ पर हम लोग पीछे की साइड में आ गए हैं। पीछे की साइड में सरोवर का ये देखोगे दृश्य। पहले हम लोग आए थे ना तो इतना पक्का सरोवर नहीं बना हुआ था। एक बार पहले भी आए थे उस साइड में मंदिर। लोग ध्वजा बहुत बड़ी बड़ी लेके आते हैं देखो ऐसे लेके जा रहे हैं। 4-5 साल बाद में मैं वापस आया हूँ और उस समय का जो दृश्य था वो एकदम अलग था। चेंज हो गया खूब सारा नया कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मेला भरता है भादवे के महीने में। अब धीरे धीरे दसवीं जो आएगी। मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ आपके सारे वीडियो देखता हूँ मैं। अभी रामदेव आया था आप दिखे तो वही लगा मैं भाई साहब जी है तो आपको देख के रुक गया पूरी फैमिली से मिल लिया। रामदेव जी के दर्शन हो गए आपके भी दर्शन हो गए बहुत अच्छा लग रहा है। भाई कहाँ से आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से आया धन्यवाद। आहा,
भाई उसके बाद हम लोग बोट पे बैठ गए बस की तरह यहाँ पर चढ़ने के बाद हम 200 रुपए लगे हम किराया ले रहे हैं जिसके पास बीच में रोकोगे पैसे नहीं दे रहे थे बीच में पैसे क्यों नहीं दे रहे हो अरे भाई मैं मांग रहा हूँ 3 घंटे से बिना टिकट पहले ही चढ़ा लिया सबको और उसके बाद लोग कह रहे पैसे है ही नहीं बेटा पैसे देने पड़ेंगे बीच में लाए यहाँ पे देखो ये सरोवर है इसके चारों ओर स्नान घाट बने हुए हैं ये मंदिर है यहाँ पर किराया लिया इतने में बोट का टाइम पूरा हो गया कोई नहीं पर बहुत अच्छे तरीके से लेके घुमा के इतना ही है ये सरोवर आराम से ये देखो इसे पानी के अंदर रख रखा है ये गिलास में हरा भरा हो गया जबरदस्त है मतलब ये तो ये ले लेवा बेटा होता तो ले लेवा कितने टाइम में हो जाएगा भाई एक दिन से जाए एक दिन में हरा हो जाएगा धूप में रखना जरूरी है क्या ना ऐसे गिलास के ऊपर रखेंगे पानी में तो 200 रहेगा मोटिव लगाएंगे तो बड़ा होगा 4 फीट बड़ा होगा परमानेंट रहेगा ये इतने सारे रख रखे थे नाम क्या इसका पौधा है ना जोड़ा है ना नाम 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 संजीवनी इसका नाम है संजीवनी दिखने में तो जो पहाड़ी लुंगड़ी होता है वैसे ये बिल्कुल सूखा रहता है इसको आप ऐसे दबाएंगे ना तोड़ेंगे टूटने वाला नहीं है नहीं टूटेगा ऐसे ये ठीक है मैंने 4-5 ले लिए पानी के अंदर और जमीन के अंदर भी कह रहे लग जाएगा 5 फीट तक बड़ा हो सकता है संजीवनी करके पौधा है दिया कि हम लोग जो है एक फड़ोदी से रामदेवरा की साइड में होटल है हम लोग क्या फिर रामदेवरा से वापस आगे फड़ोदी की तरफ में ये फड़ोदी से थोड़ा पहले एक होटल है यहाँ रुके हैं चप्पल लेके सीधा बेटा तो ये थी हमारी
रामदेवरा की यात्रा। ये रामदेव जी का मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है। वैसे जैसलमेर और बीकानेर का बॉर्डर लगता है, पोखरण और फलोदी के पास में राजस्थान के लोक देवता। और यहाँ पर तो राजस्थान से बाहर के भी अनेक राज्यों से खूब सारे श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आते हैं, और आप भी कभी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपने अभी तक YouTube चैनल शुभ जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी यात्रा कैसी लगी। थैंक यू, बाय।